हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें हम जानेंगे सिलेबस के बारे में, जो कि इस सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को प्रिपेयर करा सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और जो सिलेबस कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों की तैयारी भी करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें वर्ड फॉर्मेशन। बच्चों को वर्ड्स क्रिएट करना सिखाया जाता है, जैसे कि मतलब कोई भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव ही वर्ड है, ठीक है, तो मतलब स्पेलिंग्स लिखना। और वर्ड फॉर्मेशन में हम ये भी बताते हैं, जैसे कि सेंटेंस, कोई भी वर्ड है तो उसके थ्रू हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द। उसके बाद सिनोनिम्स, जो हमारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं, पर्यायवाची शब्द, वो सिखाए जाते हैं। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जैसे डियर, डियर का फियर, ठीक है, डॉग फॉग, तो वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें सेम साउंड निकलती है। उसके बाद सफिक्स प्रीफिक्स सिखाए जाते हैं, होमोनिम्स, होमोफोन्स। नेक्स्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का मतलब होता है जैसे जिनके सामने डब्ल्यू एच लगा हो, जैसे व्हाट, हु, वेयर, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस, वोकेबुलरी बिल्डिंग। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स वो होते हैं जैसे दिस, दैट, दोज, ये सब डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं। नाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउंस की डेफिनेशन सिखाई जाती है। उसके अलावा आता है इसमें वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स में क्या आते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, या फुल स्टॉप, ठीक है, जिस टाइप का सेंटेंस है उसी टाइप से हमें सिंबल यूज करने होते हैं। द जीरंड, द पार्टिसिपल्स। उसके बाद इन्फिनिटिव, मूड, मोडल्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो सब सिखाए जाते हैं। जंबल्ड सेंटेंस, जंबल्ड का मतलब हो गया जो सेंटेंस आगे पीछे दे रखा होगा उसको हमें सिक्वेंस में तरीके से लिखना है। उसके बाद क्लॉजेस, क्लास 5 का बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर सकती टॉपिक वाइज, तो मैंने सिर्फ इसमें वर्ड्स ही बताए हैं कि क्या क्या एक्सप्लेन होगा, कराया जाता है। उसके बाद केस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, यूज ऑफ डू एंड डज, डू, जैसे डू यू हैव एनी बुक, इस टाइप से, ठीक है। सिमिलेस, प्रोवर्ब्स, आइडियोम्स एंड फ्रेसिस, एलिट्रेशन, स्पीच। उसके अलावा स्टोरी कंप्लीशन, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, राइटिंग स्किल्स, ये सारे इसमें कवर किए जाते हैं। उसके बाद लेटर राइटिंग, लेटर में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बताए जाते हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन अगेन मैंने लिख दिया बाय मिस्टेक। उसके बाद डायरी एंट्री, नेक्स्ट नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और मैसेजेस। तो ये सारा ओवरऑल सिलेबस आता है 5 क्लास में। इसमें जो मैंने टॉपिक्स आपको वर्डली समझाए हैं, अगर हम इनको एक साथ ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक्स हैं। और जैसे इसमें नाउन, प्रोनाउन, इन सब का मैं चैप्टर वाइज आपको इंट्रोडक्शन और विद एग्जांपल वीडियो बनाने वाली हूँ आने वाले टाइम में, तो आप उसमें से इन टॉपिक्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं, बच्चों को भी आप इजीली उसमें से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ टॉपिक्स लिखे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।